चलिए बात करेंगे G20 समिट की। G20 शिखर सम्मेलन का इंतजार खत्म हो गया है। आज दो दिवसीय शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हो रहा है और बस इंतजार खत्म। बहुत जल्द डिग्निटीज का पहुंचने का सिलसिला भारत मंडपम में शुरू हो जाएगा और ये जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10:15 बजे उद्घाटन भाषण भी देंगे, वेलकम स्पीच होगी। इस सम्मेलन के दौरान भारत मंडपम में 3 अहम सत्र आयोजित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज ब्रिटेन, जापान, जर्मनी और इटली के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। 1:30 बजे से 3 बजे तक मुलाकातों का सिलसिला चलेगा। भारत की ओर से G20 शिखर सम्मेलन की थीम वसुधैव कुटुंबकम रखी गई है, इसलिए शिखर सम्मेलन में वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर ही वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर सत्र होंगे। यह समिट भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा। भारत सुपर पावर बनने की दिशा में कदम और आगे बढ़ाएगा। दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने में भारत को मदद मिलेगी। ग्लोबल साउथ में हिंदुस्तान का कद और ज्यादा ऊंचा होगा। चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत का पक्ष मजबूत होगा। साथ ही आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में ताकतवर देशों का साथ मिलेगा। तो सुबह 9:30 से 10:30 बजे तक भारत मंडपम में नेताओं और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों का आगमन है और वो आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं भारत मंडपम के लेवल 2 में। ट्री ऑफ लाइफ फॉर पीएम मोदी के साथ वेलकम फोटो खींची जाएगी। बेहद खास पल होगा जब एक साथ एक छत के नीचे सभी ताकतवर देशों के शक्तिशाली लोग एक साथ खड़े नजर आएंगे। नेता और प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख लीडर्स लाउंज में इकट्ठा होंगे। फिर सुबह 10:30 बजे के करीब दोपहर 1:30 बजे तक भारत मंडपम के लेवल 2 के समिट हॉल में पहला सेशन होगा वन अर्थ। इसके बाद वर्किंग लंच होगा। दोपहर 1:30 से 3 बजे तक भारत मंडपम के लेवल 1 में द्विपक्षीय बैठकें होंगी। 3 से 4:45 के करीब भारत मंडपम के लेवल 2 के समिट हॉल में दूसरा सत्र वन फैमिली होगा। इसके बाद नेता और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख होटल्स में लौट जाएंगे क्योंकि शाम को फिर से 7 से 8 बजे तक रात्रि भोज होगा। वेलकम फोटो होगी। 8 से 9:15 बजे तक रात के खाने पर बातचीत होगी। 9:15 से 9:45 तक नेता और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुख भारत मंडपम के लेवल 2 के लीडर्स लाउंज में इकट्ठा होंगे। इसके बाद वे साउथ या वेस्ट प्लाजा से होटल्स के लिए प्रस्थान करेंगे। ये तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। उनके साथ सुरक्षा की दृष्टि से तमाम लोग नजर आ रहे हैं, सुरक्षा कर्मी नजर आ रहे हैं। उनके आने की तस्वीरें जरा देखिएगा क्योंकि काफी संख्या में लोग पहले ही पहुंच चुके हैं जो कि रजिस्ट्रेशन के जरिए वहां पर उपस्थित हैं, वॉलंटियर्स हैं। और एंट्री बेहद शानदार, रेड कार्पेट बिछाया गया है, सभी देशों के झंडे लगाए गए हैं। जहां जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरे भारत के झंडे के साथ तमाम उन देशों के झंडे लगे हुए हैं जो कि यहां आज मौजूद होंगे, देशों को प्रतिनिधित्व करते नजर आएंगे। और ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, उन तमाम देशों के लिए भी बड़ी बात है क्योंकि ये संदेश उन देशों तक भी पहुंचेगा वसुधैव कुटुंबकम का। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, एक साथ एक परिवार की तरह हमें सहयोग करना है, आगे बढ़ना है, काम करना है। ग्लोबल साउथ की बात करें तो हिंदुस्तान का कद और ज्यादा ऊंचा हो जाएगा। अभी हमने आपको कार्यक्रम बताया आज के 9 तारीख के, लेकिन अगर आने वाले की बात करें, कल की भी हम अगर बात करें तो 10 तारीख को क्या कार्यक्रम रहेगा। 10 सितंबर को सुबह 8:30 से 9:00 बजे तक राजघाट पर नेताओं और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों का आगमन रहने वाला है। राजघाट जाएंगे सभी, लीडर्स लाउंज के अंदर शांति दीवार पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इतिहास में दर्ज हो जाएगा कि कौन कौन यहाँ पर आया था। सुबह 9 से 9:20 तक महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। महात्मा गांधी के पसंदीदा भक्ति गीतों का लाइव प्रदर्शन होगा। 9:20 पर नेता और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख अलग अलग काफिले में लीडर्स लाउंज के लिए प्रस्थान करेंगे। 9:40 से 10:15 बजे तक भारत मंडपम में नेताओं और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों का आगमन होगा। 10:15 से 10:28 तक भारत मंडपम के लेवल 2 के साउथ प्लाजा में वृक्षारोपण समारोह भी है। ये खूबसूरत तस्वीरें आपके स्क्रीन पर जो दिख रही है वो भारत मंडपम की है। जरा देखिए कितने खूबसूरती तरीके से सजाया गया है, लेकिन भारत की संस्कृति के साथ बाहर जो है नटराजन की तस्वीर, अंदर भारत की संस्कृति और विरासत से सहेजी हुई तस्वीरें प्रदर्शित हो रही हैं। कमल के फूल आपको नजर आ रहे हैं,
और कमल के फूल का तो महत्व आप भी जानते हैं। लक्ष्मी माता जो है वो विराजमान कमल के फूलों में ही होती हैं और हमारे लिए हर एक चीज का विशेष महत्व होता है जिसे भी हम प्रेजेंट करते हैं और यही हमारी संस्कृति कला विरासत आज हम अपने देश के जरिए इस भारत मंडपम में कार्यक्रम के जरिए G20 शिखर सम्मेलन के जरिए पूरी दुनिया को दिखाएंगे। 10:30 से 12:30 बजे तक कल क्या होगा भारत मंडपम के लेवल 2 के समिट हॉल में तीसरा सत्र वर फ्यूचर होगा कल। इसके बाद नेताओं की ओर से की जाने वाली घोषणा को अडॉप्ट किया जाएगा क्योंकि जाहिर सी बात है जब इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं द्विपक्षीय बैठकें होती है जो कि लगातार दौर चलेगा उसके बाद जब जाने के कार्यक्रम होता है यानी कि विदाई का कार्यक्रम रवानगी का कार्यक्रम उससे पहले का पल बेहद खास होता है क्योंकि जो बैठकें हुई हैं जो तमाम मुद्दे हुए हैं जो हस्ताक्षर साइन हुए हैं उनमें जो फैसले लिए गए हैं उसकी भी जानकारी साझा की जाती है। वहीं आपको ये बता दें कि कौन कौन अभी तक आया है और कौन कौन पहुंचा है कौन कौन पहुंचने वाला है अभी चंद मिनट पहले वो भी आपको जानकारी देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जापान के पीएम फुमियो किशिदा, चीन के पीएम ली कियांग, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज, वहीं जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स पहुंचे हैं। दरअसल जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स आपसे थोड़ी देर पहले ही आज पहुंचे हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यू सु कियोल, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन, बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना पहले ही पहुंच चुके हैं सब, मॉरिशस के पीएम प्रविंद कुमार जगन्नाथ, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस, कांग्रेस के राष्ट्रपति और अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष अजाली असोमैनी, ओमान के उप प्रधानमंत्री सैयद फैद बिन महमूद अल सैद, मिश्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की प्रमुख क्रिस्टिना जॉर्जिवा, विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा इस सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। अब आपने जितने नाम सुने हैं सभी शक्तिशाली देशों से आते हैं। शक्तिशाली देशों के शक्तिशाली लोग, ताकतवर लोग, महाशक्तियां एक साथ आज भारत में इकट्ठा होंगी और भारत किसी महाशक्ति से कम नहीं है। विश्व गुरु की कगार पर पहुंच चुका है भारत और आज इतिहास बनने जा रहा है। 8-10 सितंबर को छुट्टी की भी घोषणा इसलिए कर दी गई थी क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी था। तो इसके अलावा कितने बंदोबस्त किए गए इसको अच्छी को लेकर वो आपको एक बार फिर से अपडेट कर देते हैं। पूरी दिल्ली को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। दिल्ली में कल छुट्टी थी, अब आज 9 और फिर कल 10 सितंबर को छुट्टी की घोषणा है। 50,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। 35 किलोमीटर के इंच पर सुरक्षा कर्मी तैनात है। 100 किलोमीटर दूर की हरकतों पर भी नजर है। 23 होटल्स पर 24 घंटे पहरा है। 23 होटल्स के ऊपर नो फ्लाई जोन घोषित है। दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, NSG, CRPF, IB, रॉ से लेकर ब्रिटेन के MI6, रूस के KGB, अमेरिका की CIA, इसराइल की मोसाद जैसे इंटरनेशनल एजेंसियां भी मुस्तैद हैं। गगनचुंबी इमारतों पर एंटीक्राफ्ट गने मुस्तैद हैं। 40,000 से ज्यादा CCTV की हर हरकत पर नजर है। चेहरा पढ़ने वाले फेस रिकॉग्निशन कैमरे लगाए गए हैं। प्रगति मैदान के नीचे टनल में खोजी कुत्ते और कमांडोज तैनात हैं। तो हर एक लिहाज से, हर एक तरीके से सिक्योरिटी के लिहाज से महफूज सर कोई होगा, कोई आंच नहीं आने दी जाएगी क्योंकि ये सब भारत में है और भारत सुरक्षा को लेकर कड़ी बंदोबस्त करके बैठा है। व्यवसायी चौक चौबंद है, पुरजोर तरीके से व्यवस्था की गई है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। अब 9 बजे के बाद से जो डिग्निटीज हैं उनके आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। तो आपको ये जानकारी दे दें, ये जानना भी बेहद जरूरी है। G20 नेताओं के सम्मान में आज राष्ट्रपति रात्रि भोज देंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत मंडपम में डिनर की मेजबानी करेंगी। रात्रि भोज में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। कई रेयर इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा और वो रेयर इंस्ट्रूमेंट होंगे जो आज हर कोई बजाता नजर नहीं आता है। गिटार के जमाने में, टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट के जमाने में रेयर इंस्ट्रूमेंट का आज इस्तेमाल होगा। युवा और दिव्यांग संगीतकार प्रोग्राम पेश करेंगे। डिनर में तो पूर्व प्रधानमंत्री, विपक्षी दलों के कुछ मुख्यमंत्री शामिल नहीं होंगे, जानकारी फिलहाल अभी तक नहीं आ पाई है, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और HG देवगौड़ा नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसा नहीं है कि उन्हें इन्विटेशन नहीं मिला है, लेकिन स्वास्थ्य कारणों की वजह से वो नहीं पहुंचेंगे।
रात्रि भोज में पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्ष शासित राज्यों के सीएम सहित कई लोगों को न्योता मिला है। ममता बनर्जी, एम के स्टालिन, हेमंत सोरेन, नीतीश कुमार शामिल होंगे। दिल्ली सीएम केजरीवाल और पंजाब सीएम भगवंत मान भी शामिल हो सकते हैं। भाजपा शासित राज्यों से एनडीए के मुख्यमंत्री रात्रि भोज में शामिल होंगे और बेहद खास पल होगा क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्योरिटी के बहुत ही अच्छे इंतज़ाम हैं। आप लोग भी यहाँ सुबह आए हैं तो बहुत ही सीमलेसली बहुत सारी एजेंसीज कोऑर्डिनेट कर रही हैं। दिल्ली पुलिस की बहुत सारी यूनिट्स हैं, इकट्ठा काम कर रही हैं ताकि ये एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहे हमारे फॉरेन डेलीगेट्स के लिए, हमारे हेड ऑफ स्टेट्स के लिए और जो हमारे मीडिया पर्सनस और फॉरेन मीडिया कॉम्पोनेंट भी आया हुआ है। तो सिक्योरिटी को भी ध्यान में रखते हुए और उनकी सुविधा को भी ध्यान में रखते हुए तो ये मल्टी एजेंसी जो एक कोहेसिव प्रोग्राम बना है ये अब तक बहुत ही अच्छा जा रहा है और ये पूरा दिन ही बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा एंड वी विल मेक आवर कंट्री प्राउड।